ओए तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है, कितनी जल्दी पड़ी है, निकालता हूँ यार, हौसला करो, सब्र करो, क्या हो गया है? मैं आ गया हूँ ना, मैं अब निकालता हूँ, देख तो यार कितनी आज मस्तियों में है। दो दिन से नहीं ना निकाला इनको, दो दिन से मैं आउट ऑफ सिटी था इसलिए नहीं निकाला, और वैसे भी ना ऐसे नहीं करता, जब मैं ऊपर आता ना फिर ही करता, वरना नहीं करता, पता है यार मेरा बंदा है, उसके साथ ही मैंने करना, तो मेरे साथ ही मस्ती करता। अभी देख रहा फुल मस्ती भी है, देखे अभी तुम्हें निकालता हूँ यार, लेकिन इसको मैं निकालता इसलिए नहीं हूँ, ये भाग के ना उधर लड़ने लग जाता है, ठीक है, इसलिए मैं इसको निकालता नहीं हूँ। अभी इसको निकालते हैं, एक दफ़ा ना चेक करते हैं इसको। चलो तुम क्यों इतनी हड़बड़ी में, आ जाओ आ जाओ बस बाहर निकलने का शौक है भाई मुझे, बस बाहर निकालो। अभी इसने क्या करना है, अभी इसने सब पिंजरों के साथ लगना है और सब के साथ लड़ने लग जाना है। सुबह सुबह पानी देखो, इसके काम देखो, पानी पीना था और ये गिरा देता है। रात को भी इसने ऐसा किया, रात को मैं आया हूँ ना, ये फौरन भाग के पानी के पास गया, भाई मुझे पानी दो, पानी दिया, एक घूंट लगाया, बाकी सारा इन्हें गिरा दिया, ठीक है। इसको फिर मैंने फिर हाथ पकड़ के पानी पिलाया, तब जाके पानी पिया, वरना इसने सारा पानी गिरा देता, पता नहीं इसकी नहीं मस्तियाँ, पानी पीने के चक्करों में ना पानी ही गिरा देता, ठीक। अभी इसको यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए माशाल्लाह दोस्तों, क्रीज भी मुकम्मल काफ़ी कर चुका है, देखिए माशाल्लाह कितनी मस्ती है आज चल दो, देखें क्रीज काफ़ी मुकम्मल कर चुका है, थोड़ी बहुत ही रह गई है, देखिए कितनी मस्ती में माशाल्लाह, देखें आ जाओ बहादुर, नहीं आ रहा ना हो। दरअसल दोस्तों इसकी क्रीज ना पूरी करने की वजह दोस्तों ये है कि यार इसके अंदर जुएं पड़ी हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से अपनी क्रीज मुकम्मल नहीं कर रहा था, जुए इसकी खून पी गई थी। तो फिर मैं क्या लेके आया इसके लिए, फिर दोस्तों मैं लेके आया ये कोपेक्स पाउडर, ये पड़ा था, ठीक है। तो ये मैंने इसको अच्छे तरीके से लगाया, और एक दफ़ा लगाने के बाद ना इसकी सारी जुएं ख़त्म, अब इसको कोई जुएं नहीं है, पहले इसको इतनी जुएं थी, इसको पकड़ते सार ना हमारे हाथों पर भी जुएं चढ़ जाती थी, लेकिन ना अब ऐसा नहीं है। अब परसों रात को लगाया था तो उसकी सारी जुएं माशाल्लाह से ख़त्म हो गई थी, ठीक है। अभी इसको यहीं पे फिरने देते हैं यार, बाकी को भी बाद में निकालते हैं, ये ऊपर फिरता रहेगा, इनको बाद में निकालेंगे, वरना तो आपको पता है यार फिर मसला मसाइल बनते हैं। हम जाके ज़रा कबूतरों को देख लेते हैं, वो भी ना दरवाजे के पास बैठे हैं कि हमें निकालेंगे, हमें निकालेंगे। तो यार यही होता है, टाइम का बहुत इशू होता है कि यार मुझे टाइम नहीं देने पड़ता यार, दो दिन नहीं होता तो इनको कोई पूछने वाला ही नहीं होता, ठीक है। अभी इनके केज में भी जाते हैं, इनको भी देखते हैं क्या करना है। ये देखिए माशाल्लाह हमारे कबूतर दोस्तों फिर से काम हो चुके हैं, दो वो ऊपर बैठे हुए और हमारा वाइट वाला दोस्तों कबूतर एक उड़ गया, ठीक है। वो उड़ने की वजह दोस्तों ये वाला कबूतर है, आज मैंने इसके पर काट देने हैं। अभी ये देखिए कैंची मेरे पास है, इसके पर काटते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या है, और इसके भी मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग, ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों इस कबूतर के मैंने देखे पर सारे काट दिए, ठीक है, अब ये उड़ नहीं पाएगा, मैं आपको छोड़ के दिखाता हूँ, देखे माशाल्लाह कबूतर इतना अच्छा, तो मैं अभी देखिए छोड़ता हूँ, देखें अभी नहीं उड़ पाएगा, ठीक है। अब इसके पर कट चुके हैं, अब ये यहीं पर रहेगा। तो मैंने दोस्तों पहले इसके पर इसलिए नहीं काटे थे क्योंकि क्या हुआ था कि यार ये लक्का कबूतर था, मैंने कहा उड़ेगा नहीं यार, हमारे ही सेटअप पे रहेगा, लेकिन ये दो दफ़ा उड़ा है और साथ हमारे दो कबूतर भी ले जाता उड़ा के, लेकिन दो तो उस दिन आगे थे, लेकिन तीसरा कौन सा हमारा कबूतर है ना, वो बहुत ज़्यादा उड़ा और वो किसी के पास बैठ गया सारा दिन, फिर मैं काम भी चला गया, मुझे काम भी देर करवाई इसने उसको पकड़ने के चक्कर में, लेकिन हम पकड़ भी ना पाए और हमारा कबूतर हमारे सेटअप से चला गया। ये वाइट के साथ एक कबूतर था, वो उसकी वजह से यार उड़ गया, इसलिए मैंने इसके पर काट दिए ताकि यार अब ये ऐसे ही रहे। इसको क्या हुआ भाईजान, तुम्हें क्या हुआ, तुम कैसे खड़े हो, इसको ठंड लगी हुई है। अभी कबूतर दोस्तों यहाँ पर फिरते रहेंगे क्योंकि दोस्तों आपको पता है सारा दाना यहाँ पर बड़ा होता है, तो ये यहाँ से चुन लिया करेंगे सारा दाना, ठीक है, अच्छे तरीके से। हम क्या करते हैं बाकी मुर्गे को भी बारी बारी खोल लेते हैं। इस तरह दोस्तों हमारे पिकाचू और हमारा वो छोटी दुनिया, और इसी ट्राई में हम हैं कि यार इनकी अगर दोस्ती हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन देखिए ना अभी भी पिकाचू डर रहा है, इनकी दोस्ती नहीं हो पा रही, तो अभी इनको खोलते हैं, देखते हैं इनकी दोस्ती हुई है कि नहीं हुई। चलो शाबाश, तुम भी बाहर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुबह सुबह का टाइम है, आ जाओ आ जाओ। देखिए माशाल्लाह छोटू सा है और इतना प्यारा लगता है माशाल्लाह से, आप देखो उधर बहादुर, देखो वो कहता मुझे भी निकालो, लेकिन उसकी क्या बुरी हालत है,
वो चूज़ों को भी नहीं बख्शता, वो उसके उनके पीछे ही पड़ जाता है। तो इसलिए उसको सबसे अलहदा ही निकालना है, सबसे बाद में ही निकालना है। कभी इन दोनों को फिरने देते हैं, आपको पता है बाकी सबको निकालते हैं ना तो वो हड़बड़ी में बचा देते हैं, ठीक है सारी, और सारा मसला ख़राब कर देते हैं, सारा हमारा यकीन करे ख़राब कर रख देते हैं। और दोस्तों आज ना हमने अपने इस मुर्गे का नाम रखना है माशाल्लाह से, ठीक है। मैं आपसे कहा था कि आप बताइएगा, लेकिन यार किसी ने भी नहीं बताया, तो मैंने खुद ही सोचा है नाम इसका मैं नाम क्या रखूँ। तो दोस्तों आज हमने इसका नाम फाइनलाइज कर देना है इंशाल्लाह ताला कि इसका नाम आज क्या रखा जाए, क्योंकि सारे बर्ड्स के नाम हमने रखे हुए हैं। तो एक जो हमारे न्यू सेटअप पर न्यू मुर्गा आता है तो हम उसका भी नाम रखते हैं, तो इसका भी नाम आज हमने रखना है। तो इसकी दोस्तों अब देखें ना, ये बिल्कुल छोटू सा है, अब इसके हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। वो रहा हमारा पिकाचू, वो भी छोटू सा है लेकिन वो बड़ा, इससे भी बड़ा बड़ा लगता है, हालाँकि हमारे सेटअप का सबसे छोटा चूज़ा है लेकिन इससे भी बड़ा लगता है। तो दोस्तों इसका नाम रखना चाहिए, होना चाहिए हाँ, आज इससे इसका नाम है दोस्तों चिंटू। आज से हमने इसको चिंटू कह के बुलाना है, क्योंकि दोस्तों ये है भी छोटा सा, वो लगता भी चिंटू से ही है, और ना इसने और बड़े भी होना है। अगर बड़ा होता होता फिर हम किसका और कोई और नाम रख सकते, लेकिन अभी इसने बड़ा भी नहीं होना, इतना ही रहना है, तो इसका आज से नाम है चिंटू। आज से दोस्तों हम इस मुर्गे को चिंटू कहकर बुलाया करेंगे, ठीक है। ये नाम इसको सूट भी कर रहा है, क्योंकि खुद भी छोटू सा है और नाम भी छोटा वाला ही है। अच्छी बात है यार, ये इसका नाम बेहतर रहेगा। तो आज से हम इसको बुलाएंगे चिंटू, और बस जल्दी जल्दी ये ट्राई करे कि है ना ये हमारे पिकाचू के साथ ना फ्रेंडशिप कर ले, ताकि हमें मसला मसाइल ना हो। अभी ये पिकाचू के साथ ना थोड़ा लड़ता लुड़ता है, पिकाचू से डर के भाग जाता है, अभी भी देखे ना पिकाचू से दूर ही रहेगा। बस दुआ करें इन दोनों की दोस्ती हो जाए, और इसको भी पार्टनर मिल जाएगा और उसको भी पार्टनर मिल जाएगा, दोनों मज़े से रहेंगे दोस्तों। ये बस हो जाए तो बहुत बेहतर है। अब दोस्तों किंग को भी खोल लेते हैं यार, चलो यार तुम भी आ जाओ बाहर। ये देखें ना इसने जाली तोड़ दी है सारी, पंजे मार मार के लड़ने की हालत में, तो इसकी हमें इसकी भी जाली चेंज करनी पड़नी है। पता नहीं क्या है यार, जाली के साथ इनकी कोई दुश्मनी है, सारी जाली तोड़ लेते हैं। उसने भी तोड़ी थी, इसने भी तोड़ी है, और हमारे बहादुर ने भी तोड़ी थी, क्या कर सकते हैं यार। अभी तक दोस्तों हमारी मुर्गी कौन से ना, वो अंडे पे अंडे दिए जा रही है, उसकी बस नहीं हो रही। अब इसके काम देखो, मुझे इसके इतना गुस्सा आता है। अब देखो ना इसको मैंने निकाला, अब इसके ये हालत है। ओए ओए ओए, चलो चलो मैं मारूंगा तुम्हें। वो आगे मैं कहता है मुझे लड़वाओ, और वो जान मूर के जाके पंगे लेता कि भाई लड़ो 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 उसे। लेकिन दोस्तों अभी हमारी दोस्तों ये वाली मुर्गी अंडे दे रही है, ठीक है। उसने अभी नहीं स्टार्ट करने है, अभी स्टार्ट नहीं किए। झोली तो उसकी बन गई है, आई थिंक अभी कुछ दिनों तक वो स्टार्ट कर भी देगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी हम इसको निकालें या ना निकालें, इसको नहीं निकालते यार, ये फिर बाद में बड़ा मसला मसाइल करता है। ये न्यू जवान है, ये मस्तियाँ बड़ी करता है, फिर सबको ऐसे इधर उधर 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 भगाता रहता है, तो ये इसका बड़ा मसला बनता है, ठीक है दोस्तों। अभी तुम अंदर बंद ही रहो, ठीक है। इनको क्या हुआ यार, ये कि कोने में लगे हुए हैं। भाईजान तुम लोगों का क्या हुआ, तुम फिर कोने में घुस गए हो। और भाई तुम्हारे साथ नहीं है, इनके साथ हूँ मैं। चलो भाई साहब बाहर निकलो यार, तुम इधर क्या कर रहे हो। चलो चलो थोड़ी धूप लगवाओ यार, थोड़ा जिस्म खोलो अपना। चलो शाबाश, सबके साथ जाके फिरो, पता नहीं क्या है। चलो 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 शाबाश, यहाँ पर फिरते रहो, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम चलते हैं छत के ऊपर, वहाँ पर जाके देखते हैं अपना मियाँ वाली का मुर्गा कि उनकी क्या सूरत हाल है यार। उनका बस जल्दी जल्दी पैर लग गई और वो अंडे देना स्टार्ट कर दिए। फिर दोस्तों हमने उनके बच्चे भी निकलवाने हैं। हमारी मुर्गी भी बहुत अच्छी है और हमारा मुर्गा भी मियाँ वाली का, ठीक है। अभी इनको खोलते हैं यहाँ से, ठीक है। अरे हाँ जी, तुम्हारे क्या हाल हवाल है। माशाल्लाह दोस्तों एक्टिव हैं, फिट हैं। यहाँ पर देखना मुर्गी जगह बना रही है पर इकट्ठे किए हुए, और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी अंडे भी स्टार्ट कर देगी इंशाल्लाह ताला। झोली इसकी बनी हुई है और माशाल्लाह इसके बच्चे बड़े प्यारे निकलेंगे। और ये हमारा मियाँ वाली का मुर्गा भी माशाल्लाह से बिल्कुल एक्टिव है। जुमे वाले दिन दोस्तों इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। अभी तो हमारे पास टाइम नहीं होता इतना, तो इसको इंशाल्लाह जुमे वाले दिन बाहर निकालेंगे और बाहर गली में छोड़ेंगे, ताकि यार ये भी थोड़ा खुला होकर फेर ले। फिर मैं आपको इसका अच्छी तरह शो करवाऊँगा ये चलता कैसे है, और इसकी चाल चलन आप देख के फैन हो जाएंगे इसके माशाल्लाह से। बस अब पैर लगा लेगी बहुत जल्द, और हमारी मुर्गी भी चीनी है और वो भी शजरा है, तो आप सोच सकते हैं कि हम इसके कैसे बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। चलो अच्छी तरह इधर बैठो, इनको यार दाना पानी ये भी डालने वाला है, तो इनको मैं आके दाना पानी भी डालता हूँ, ठीक है।
देखे ना जया बड़ा करती है यार, ये देखे ना सारा इसके अंदर मिक्स किया हुआ है, कुछ इन्होंने यहाँ पर गिराया हुआ है। तो मेरा दिल है ना आज इनको मैं दाना डालू ही नहीं, तो ये यही खाए जो गिराया हुआ है तुम लोगों ने, ये तुम यही खाओगी ठीक है। तुम जान वो से गिराती है यार, इनको मैं ज़्यादा डालता हूँ ना तो ये खाती पीती है, बाकी बच्चा वाना गिरा देती है। तो इसके लिए यही किया हुआ है, आज तुम्हें मैंने दाना नहीं डालना, आज तुमने यही फिनिश करना है। अपना पानी में डाल दूंगा, बाकी मैं तुम्हें कुछ नहीं डालूंगा ठीक है। अभी तुम दोनों फिरो टो, अल्लाह हाफिज़। यार हम अपनी अब कुड़ुक मुर्गी को भी निकाल लेते हैं यार, वो तो याद ही नहीं रहती हमेशा ही, अभी याद आ गई है तो उसको भी निकालते हैं यार। यहाँ पर बैठी हुई है वो, ये देखें आज दोस्तों 6 तारीख हो गई है और इसने तकरीबन 16-17 को बच्चे निकालने हैं, तो टाइम इसका भी होने वाला ही है। चलो आ जाओ यार, ऊपर उठो 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 ओह उठो, गुस्सा भी कर रही हो, गुस्सा भी कर रही हो, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारी नहीं है, चलो 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 साइड पे दो, ये देखिए साफ साफ आ रहा है। चलो अंदर यहाँ पर इसको दाना पानी डालते हैं यहाँ पर देखो ठीक है। ये भी यहाँ पर दोस्तों मज़े से दाना पानी खाती रहेगी ठीक है, बहुत जल्द इसके बच्चे भी आने वाले हैं ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपने लाजमी बताना है मैंने इसका नाम ठीक रखा है, अच्छा लगा है, इसको हिसाब करते ही है ना, मेरे लिहाज से तो उसको सूट करते ही है, लेकिन आपने लाजमी बताना कि यार इसका नाम यही होना चाहिए या हम कुछ चेंज कर दें। बहुत से नाम होते हैं लेकिन मेरे माइंड में यही है, तो आप बताइएगा कि आपको ये नाम अच्छा लगा, ठीक लगे, मुझे तो ठीक लगा था ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बस यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल शहर में देहाती माहौल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो भेजूँ आसानी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।